हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं IRFC के बारे में। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था IRFC के बारे में, तकरीबन वो 5 तारीख को था, और उस वीडियो में बहुत लोगों के क्वेश्चन आए, बहुत लोगों ने कमेंट किए और वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और बहुत से लोगों ने अपनी राय भी दी। सो आज हम उन सभी कमेंट्स को रीड आउट करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी और उससे हम और क्या सीख सकते हैं। और साथ ही में जो भी वहां पर आपके क्वेश्चन थे, मैं उन सभी पर कुछ ना कुछ अपनी राय देने की कोशिश करूंगा। और डेफिनेटली दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं आप सभी के लिए, इसमें भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। जब भी अगला वीडियो बनाएंगे IRFC के बारे में, हम डेफिनेटली इन कमेंट्स को भी अपने वीडियो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, IRFC के बारे में अगर आपके पास में इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो जो लास्ट वीडियो है मेरा 5 तारीख का, उसे जाकर जरूर देखें। वहां पर मैंने कम्प्लीटली आपको बताया हुआ है कि IRFC एक नई कंपनी है और यहाँ पर दोस्तों क्यों इसके प्राइस ऊपर अभी नहीं जा रहे हैं, क्या एग्जैक्ट रीजन है, मैंने वहां पर बताने की कोशिश की है। और साथ ही में इसके फंडामेंटल्स जो भी हैं, हमने वो भी वहां पर डिस्कस किया है, जो टेक्निकल्स हैं वो भी डिस्कस किया हुआ है, कब तक ये ऊपर जा सकता है शॉर्ट टर्म में प्लस लॉन्ग टर्म में, ये सारी बातें मैंने वहां पर कवर की हुई है। अभी कुछ भी लेटेस्ट यहाँ पर न्यूज नहीं आई है जो कि मैं आपको बताऊं, बट डेफिनेटली जैसे ही कुछ अगर लेटेस्ट न्यूज आती है तो मैं आपको जरूर अपडेट देने की कोशिश करूंगा इस स्टॉक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उस वीडियो की कमेंट्स के ऊपर और देखते हैं कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस रहे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो था जो कि 5 तारीख को मैंने पब्लिश किया था और यहाँ पर आपके बहुत सारे कमेंट आए, तकरीबन 50 कमेंट है यहाँ पर, और जिनको हम रीड करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आप लोग क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। हर एक कमेंट तो नहीं, पर डेफिनेटली सिमिलर टाइप ऑफ कमेंट को हम पास ऑन करेंगे और जो नए नए कमेंट्स होंगे उसको रीड करेंगे, और साथ ही में उस पे जो भी क्वेश्चन निकल कर आता है उस पे हम आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक कमेंट है और यहाँ पर लिखा हुआ, दिस इज डेफिनेटली अ लॉन्ग टर्म गोल। बिल्कुल सही बात है ये कि एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए ये एक शेयर है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट टर्म मतलब, अब देखिए, अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपने IPO में सब्सक्राइब किया होगा और आपको ये IPO मिला है, राइट? या फिर हो सकता है कि बाद में IPO के आने के बाद में इसके प्राइस थोड़े कम हुए, 25-24 तक इसके प्राइस आए, तब आपने यहाँ पर कुछ शेयर को बाय किया होगा, राइट? लेकिन कंटिन्यूसली अगर मैं बात करूँ इसके चार्ट की, अगर मैं देखें यहाँ पर आप, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है रोज के दिन जो है वो 50 पैसे से 70 पैसे 80 पैसे तक ऊपर नीचे होता है, और इससे ज़्यादा जो है हमको इसमें रेंज दिखाई नहीं देती है। तो अभी हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही क्या यहाँ पर सोचना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ हो सकता है? तो सिंपल सी बात दोस्तों, मैंने इसका रीजन आपको वहां पर भी बताया था कि देखिए, ये कंपनी एकदम नई है, और दूसरी बात, ये एक फाइनेंस कंपनी है, और ये किसको फाइनेंस करती है, ये रेलवे को पैसा देती है। तो इसका जो कस्टमर है वो काफी अच्छा है, वहां से ऐसा नहीं है उसको पैसा नहीं मिलने वाला है या फिर कोई फ्रॉड होने के चांसेस है। तो जैसे जैसे इस कंपनी के बारे में लोगों को मालूम चलेगा, डेफिनेटली वैसे वैसे यहाँ पर हमको एक अपसाइड दिखाई देनी चालू होगी। और भी दोस्तों मैंने बहुत सी बातें आपको बताई थी उस दिन, चलिए तो आप जाकर देख सकते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म की हम यहाँ पर बात करें, तो कम से कम आपको यहाँ पर जो इसका अगला रिजल्ट आने वाला है, हर क्वार्टर में जो रिजल्ट पब्लिश करती है कंपनी, एटलीस्ट अगले क्वार्टर के रिजल्ट तक आपको यहाँ पर रुकना चाहिए, और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके रिजल्ट अच्छे ही होंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप इसके पिछले 3-4 क्वार्टर देखेंगे तो रिजल्ट हर बार इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब ये रिजल्ट आएंगे इसके, वहां पर एक अपसाइड दिखाई दे सकती है। और रिजल्ट कब आने वाले हम सभी जानते हैं, मार्च का महीना ऑलरेडी चल रहा है, मार्च एंड के बाद में रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे हर कंपनीज के। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि 1-2 महीने के अंदर इसके रिजल्ट भी पब्लिश होंगे, और वहां पर हमको डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर एक रेंज दिखाई दे सकती है, अपसाइड दिखाई दे सकता है, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में होगा, वो बहुत ही ऐसा नहीं कि एक डबल हो जाएगा ये इसका। अगर आपको एक अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट लेकर जाना है तो आपको लॉन्ग टर्म रुकना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला जो कमेंट है वहां पर लिखा हुआ है कि डिविडेंड मिलता रहे ऐसे ही और क्या चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली है। डिविडेंड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी इंटर्म डिविडेंड भी दे रही है, साथ में फाइनल डिविडेंड भी। मतलब ये इंटर्म डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है साल में एक बार डिविडेंड तो देती ही है, जिसको हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। बहुत सी कंपनियां देती हैं, ऐसा नहीं कि हर कंपनी देगी, बट गवर्नमेंट हर कंपनी देती है। बट यहाँ पर अगर मैं आपको लिए चलूँ टिकट टैग के ऊपर दिखाऊं, तो देखिये यहाँ पर कैश डिविडेंड लिखा हुआ है यहाँ पर 1.05 रुपए, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर्म। मतलब क्या कि साल में जब एक से ज्यादा बार डिविडेंड देती है कंपनी तो वहां पर इंटर्म लिखते हैं, राइट? तो हो सकता है कि दोस्तों अगले जब क्वार्टर आएगा उसमें भी एक डिविडेंड देगी, और 3-4 बार
कम से कम डिविडेंड दे सकती है ऐसा भी आप बोल सकते हो, लेकिन यस जब तक कंपनी अनाउंस करके डिविडेंड दे ना दे हम कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते। बट इंटर्म यहाँ पर लिखा हुआ इसका मतलब ये कंफर्म है कि एक बार तो और देगी इस साल के अंदर, मतलब दो बार तो कंफर्म हो चुका है। अगला दोस्तों देखते हैं कमेंट क्या है। अब देखिए अगला जो कमेंट है वहां पर लिखा हुआ कि व्हेनेवर रिटेलर्स गेट आउट ऑफ स्टॉक देन ओनली प्राइस विल गो अप। अब इस बात को लेकर आपको शायद उन्होंने ये बोलने की कोशिश की है कि जो रिटेलर्स होते हैं राइट वो ऐसे स्टॉक्स में फंस जाते हैं और उनका पेशेंस लेवल जो होता है बहुत कम होता है। अभी देखिए कंटिन्यूसली जो स्टॉक है एक डेढ़ महीने से जो है वो इसी रेंज पर घूम रहा है। अभी कई लोग क्या करेंगे, चलो थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, ज्यादा लॉस नहीं है, चलो निकल जाते हैं। उनमें ना एक पेशेंस की कमी होती है और कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स होते हैं मतलब आपके और मेरे जैसे जो नॉर्मल जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में वो जब यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद हम पछताएंगे और यहाँ पर ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आएगा हम सभी। बट डेफिनेटली आपको यहाँ पर अगर एक अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको बने रहना चाहिए। अगले दोस्त देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि IRFC क्रॉस 50 पर शेयर इन शॉर्टली। इस चीज से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि शॉर्टली मतलब एक शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर 50 रुपए की प्राइस को क्रॉस कर पाएगा। शॉर्ट टर्म मतलब क्या, अगर आप चाहते हैं कि अगले हफ्ते या एक महीने बाद या फिर दो महीने बाद ये स्टॉक 50 रुपए टच कर लेगा, मतलब अगर अभी 25 में है तो डबल हो जाएगा, तो ऐसी उम्मीद लगाना ही बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि नहीं हो सकता तो वर्ड सही नहीं होगा क्योंकि शेयर मार्केट है कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। यस अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म पीरियड की तो वहां पर चांसेस बनते नजर आते हैं। अभी लॉन्ग टर्म पीरियड में भी कितना राइट ना, ये भी कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर लॉन्ग टर्म मतलब कितना, तो मिनिमम आपको 3 साल तो यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। उसके बाद ये जो आप बोल रहे हैं 50 रुपए का जो एक टारगेट दे रहे हैं यहाँ पर कई लोग, वो शायद अचीव यहाँ पर हो सकता है। अगला जो कमेंट है दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ कि इनको 1.05 का डिविडेंड मिला है। यस बिल्कुल, ये बिल्कुल सही चीज है, मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया। इन्होंने अभी जस्ट IRFC का शेयर बाय किया है टुडे, मतलब 5 तारीख की बात है। गवर्नमेंट कंपनी है और साथ में डिविडेंड देती है, बिल्कुल सही बात है। इनको तकरीबन 1.054 का डिविडेंड मिला है ऐसा मुझे लगता है, मतलब इन्होंने शायद 2 लॉट लिए होंगे, इनकी प्राइस को देखकर लगता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग टर्म ही करना सही होगा। विल बाय 50 शेयर्स ऑन एवरी डे कर सकते हैं, अगर आपका उतना बड़ा एक पोर्टफोलियो है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। और डिप क्या है, मतलब अब यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी डे, इन्होंने कहा कि एवरी डे मतलब क्या, कितना नीचे आएगा जब आप यहाँ पर बाइंग करोगे, ये भी एक आपको खुद सोचना है इसके बारे में। अदरवाइज आपने अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा अगर यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है तकरीबन 5% जितना भी आपका पोर्टफोलियो साइज है उसके हिसाब से, तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। किसी भी एक स्टॉक में हमें पूरे पैसे नहीं लगाने चाहिए। 1000 शेयर लिए हैं ब्रो क्या करो, तो डेफिनेटली अगर आपने 1000 शेयर लिए हैं और आपका विजन शॉर्ट टर्म का है तो मैंने आपको बताया क्या करना है, एटलीस्ट आपको अगले फाइनेंशियल रिजल्ट जो आने वाला है इनके तब तक रुकना है। और लॉन्ग टर्म का अगर विजन है तो एटलीस्ट आप 3 साल यहाँ पर रुकना हो जाइए, तो आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी एक प्रॉफिट आपके निकल कर आएगी। लॉन्ग टर्म मतलब कितना साल, ये 3 साल मिनिमम 3 साल तो आप मानकर चलिए। अब देखिए यहाँ पर एक कमेंट है जहाँ पर लिखा हुआ पछता रहे, तो ऐसे कमेंट बहुत से हैं पछता रहे हैं, अब यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा फंस चुका हूँ क्या करूँ, तो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन सभी का हाल ऐसा ही होता है राइट। और एक टाइम आएगा जब यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और फ्रस्ट्रेटेड होकर इस कंपनीज को छोड़ देंगे। लेकिन अगर देखा जाए अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो एक दिन में या एक महीने में, अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पर करोड़पति बन जाने वाले हो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है राइट। परसों की मेहनत लगती है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट पैसों के साथ साथ टाइम का भी होता है। किसी भी बड़े आप शेयर मार्केट के जो बंदे हैं उनको उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े नाम है, उन्होंने कितने सालों की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है ये आपको देखना होगा। बाकी दोस्तों जो कमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सब रिपीटेड कमेंट्स ही हैं, मतलब जो मैंने आंसर दे दिए हैं उन सभी क्वेश्चंस को सबने रिपीट किया है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। ऑल्दो अगर अभी भी लगता है आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो आप मुझे इस वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इस स्टॉक के बारे में मतलब IRFC के बारे में, तो डेफिनेटली मैं उन क्वेश्चन के आंसर भी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपका क्या सोचना है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।